रीवा राजघराने में 24 या 25 तोपें इस प्रकार की रही हैं, जिनमें छोटी और बड़ी दोनों तोपें सम्मिलित हैं। जो ये प्रमुख रूप से ये तोप जो दिख रही है आपको, ये अकबर बादशाह ने बांधवगढ़ के नरेश महाराजा रामचंद्र सिंह जूदेव को दी थी, जब उन्होंने तानसेन को अकबर को दिया। उस समय अकबर के कालीन में मुंशीदारी सिस्टम चलती थी और उन्होंने राजा रामचंद्र सिंह जूदेव, युद्ध प्रमुख रूप से तो रीवा में कोई खास नहीं लड़े गए नायकाही को छोड़ के, लेकिन इनका जो प्रमुख उपयोग रहा है वो बांधवगढ़ में रहा। और आज की तारीख में ये तोपें हमारे इस किले में लगभग ये 3 या 4 बड़ी तोपें हैं और लगभग 8 या 10 छोटी तोपें हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो गुलाब क्लब है, जो पुलिस लाइंस हैं और जो शस्त्रागार है, वहाँ पर ये तोपें विद्यमान हैं। यहाँ जो अभी आपने कैनन्स देखी, ये 3 कैनन्स जो बड़ी कैनन्स हैं और बाहर हैं, इनमें से एक महाराज राम सिंह जूदेव को तानसेन के बदले अकबर के दरबार से मिला था, उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें मिली थी। 2 बांधवगढ़ से लाई गई रीवा में, उस दौरान जब बांधवगढ़ से यहाँ की राजधानी रीवा शुरू हुई, दैट इज 17वीं शताब्दी के एकदम शुरुआत में। इसके अलावा आपने अभी एक छोटी तोप की यहाँ, जो सन के से कॉन्सेंट्रेट कराई जाती थी गन पाउडर पर, और 12 बजे जब वो बूम की आवाज़ करती थी तो लोगों को मालूम होता युद्ध के बीच में अभी विराम करना है लंच के लिए। उसके अलावा कुछ तोपें अंदर रखी हैं जो छोटी हैं साइज़ में, पीतल की हैं ज़्यादातर, और उन तोपों से सेना में नए भर्ती होने वाले सैनिक को ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वो ट्रेनिंग के दौरान कोई मुश्किल क्रिएट ना करे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो 2-3 अपने एकदम छोटी तोपें देखी हैं वो बच्चों के खिलौने के रूप में यूज़ होती थी। आज जब बच्चे घाड़ी घोड़ा गुड़िया ये सारी चीज़ें खेलते हैं, कंप्यूटर खेलते हैं, उस जमाने के बच्चे तोप और बंदूकें खेलते थे।